जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने सिद्धि विनायक पैथ लैब में शटर के ऊपर दीवार में कुमल लगाकर दिया चोरी की घटना को अंजाम। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में शक्ति नगर पर देखने को मिली, जहां पर स्थित एक सिद्धि विनायक पैथ लैब में चोरों ने दुकान के शटर के ऊपर वाली दीवार में कुमल लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में हुई कैद। सिद्धि विनायक पैथ लैब में स्वामी ने बताया, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात 1 बजे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मेरी पैथ लैब में 2 महीने में दूसरी बार चोरी हुई है और चोरी में कुछ रुपए नगद और सामान चुरा कर चोर फरार हो गए। अंकित मिश्रा, सिद्धि विनायक पैथ लैब। कुछ नहीं, सुबह मैं तो था नहीं, लड़का घर से चाबी लेकर आया, लैब उसने खोली तो देखा उसने कि गेट खुला हुआ है ऑलरेडी, ये वाला शटर बंद था, अंदर जो एलुमिनियम का गेट है वो खुला हुआ है। उसने जब देखा तो अंदर कुछ सीमेंट और ये सब ऊपर से ईंटें गिरी हुई थी। देखा फिर वो अंदर आया, उसने ऊपर देखा, अरे यहाँ तो चोरी हो गई है। उसने मुझे कॉल किया, मैं आया तो सब देखा कि सब गेट भी टूटा हुआ है, सामान सब फैला हुआ है। फिर हमने देखा क्या क्या गया हुआ है, देखा तो उसमें सामान था कुछ रखा हुआ है, जैसे कुछ कैश था, कैश ज़्यादा नहीं था, कैश 10-10 के कुछ एक दो गड्डियाँ थी। कुल मिलाकर मैंने अंदाज़ा लगाया तो 4,500-5,000 के आसपास गया है नुकसान हुआ। नहीं, पैसा अदर कोई छुआ ही नहीं है, उसने कुछ टच नहीं किया है। इससे पहले जो चोरी हुई थी उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था, उसमें मेरा करीब 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है। कितने समय बाद आपकी दूसरी चोरी हुई है? करीब 1.5 महीना हो गया होगा। 1.5 महीने बाद आपके यहाँ दो बार? हाँ, ये बात है करीब 7 जुलाई की बात है। सात अगस्त नहीं, मैंने पहले तहरीर दी, अभी मैं तहरीर कर देने जा रहा हूँ। अभी तो रात में किस समय घटना? रात करीब, हाँ, सीसीटीवी में देखा तो करीब 1:12-1:13 के 13 से शुरू हुई है।